अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 3.4 का क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन सेम है, उसमें वैल्यूज डिफरेंट हैं और हमने काम थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट करना है, लेकिन जो बेसिक स्टेप्स हैं वो यही है कि सबसे पहले आपने एक्स के इक्वल ऐड करना है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने टेकिंग लॉग लॉग लेना है दोनों साइड, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, क्या करना है, हाँ बोले जरा आप बोले क्या करना है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बाद जो रूल्स हैं लॉस वो लगाने हैं, उसके बाद प्लस माइनस करना है और लॉग भी लेना है, प्लस माइनस करना है, एंटी लॉग लेना है, आंसर आ जाना है। ओके, तो देखें जरा इसको भी स्टार्ट करते हैं, वैसे ही है जैसे हमने बाकी सवाल किए हुए हैं। तो देखें सबसे पहले क्या करेंगे, आपने इसको लेट करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल इसको लेट कर लेना है। ओके डियर्स, 5 ये क्यू रू मतलब इधर इंडेक्स है 5, ठीक है, तो इधर 2.709 आएगा क्रॉस, इधर ये आपके पास 7 है इंडेक्स, ये इंडेक्स होता है, और 1.239 ये ऐसे एज इट इज आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है जी, अब अभी तो फिलहाल आप या तो लॉग ले लें या आप इस इंडेक्स को खत्म कर ले, एक्सपोनेंट बना दें। ठीक है, तो क्या करें जी, चले या अगर इकट्ठा भी करना चाहते हैं ना, दोनों काम इकट्ठे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम ऐसा कर लेते हैं, 1/5 इस इंडेक्स को आपने 1 के नीचे लिखना होता है, अगर इधर 5 है तो 1/5, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, जो भी नंबर होगा उसको आपने 1 के बटे में लिखना है, ओवर में लिखना है, डिनोमिनेटर बना है। अभी क्रॉस ही रहने दें और इसको भी आप इंडेक्स में आ दें, क्या आएगा इंडेक्स इसका, ओके 1/7। ओके डियर्स, अब क्या करेंगे, अब आप वही काम करेंगे, अब आप लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके तो देखें जरा लिखें कैसे लिखेंगे, इधर लॉग लिख देंगे, लॉग एक्स, और यहां भी आप अभी तो फिलहाल ऐसे लिख दें लॉग, और इस इनको सेंटर में लिख दें ऐसे करके 9, और ये पावर 1/5 क्रॉस 1.239 पावर 1/7। ओके, ब्रैकेट बंद कर दें, ये वाली जो स्केयर ब्रैकेट डाली है आपने इसको क्लोज कर दें। ओके डियर्स, ये ले क्लोज हो गए, अब क्या करना है, अब आपने क्या करना है जी, अब ये लॉग की वजह से क्या होगा, ये क्रॉस प्लस में चेंज होगा, इधर भी लॉग आ जाएगा, इधर भी लॉग लादा से सेपरेट सेपरेट लॉग हो जाएगा। तो देखें जरा लिख देते हैं, कोई मुश्किल बात तो है नहीं इसमें, देखें वही जो पहले काम किया हुआ है हमने वही काम करना है, 709 और पावर 1/5 है। ओके, अब प्लस लगा के लॉग लिखना है, वही लॉग लिखना है 1239 और 1/7। ओके डियर्स, अभी तक तो हमने ये कर दिया काम, क्या था जी, हाँ जी 239 ठीक लिखेंगे, वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ, मसला तो नहीं कहेंगे। अच्छा जी देखें, आप क्या करना है, आप ये पावर जो है वो क्या होती है, लोग कहता है लोग का रूल, इधर कानून जो लगा हुआ है इधर, अगर आप इधर मैचअप कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे कौन सा रूल लगाया, यहाँ पे लोग बिकॉज कहेंगे ना, इधर लिख दें, इधर बिकॉज कह देते हैं, इधर कह दें यार क्या मसला हो गया, इधर बिकॉज लॉग एम और क्रॉस था ना एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, बेस अगर है तो लिख दें वही, जो ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, 10 है तो 10, 5 है तो 5, जितनी बेस होगी आप लिख देंगे, तो ये लगा है रूल। अब इधर रूल जो लगेगा वो भी मेंशन करेंगे, क्या रूल लगने लगा है, पावर स्टार्ट पे जाएगी, पावर 1/5 है, स्टार्ट पे आ गई लॉग, इसका लॉग वैसे ही आ जाएगा 709, ब्रैकेट लगानी है तो लगा दें, अगर नहीं लगानी तो हमें पता ही है, ये भी 1/7 लॉग 1.239। ओके डीएस, ये यहां तक तो हमने ये कर लिया, जो इधर फार्मूला लगाया है ना हमने वो लिख दें, आप जरूर लिख दें, अच्छी बात है, अच्छे बच्चों की, स्ट्रगल करने वाले बच्चों की निशानियां होती हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने वाले। देखें जी क्या लगा है, वही रूल जो हमने पहले भी लगाया हुआ है, लॉग एम पावर एन विद बेस ए इक्वल टू लॉग एन, किधर गया भाई, एन पावर स्टार्ट पे आनी है,
बाकी वैसे का वैसे। ओके ओके, तो आप क्या करना है, आपको वही काम करना है जी, इसका लोग लेंगे इसका लोग लेंगे, तो फिर ले लेते हैं। ले लें कैसे लेंगे भाई, ये बुक पड़ी है मेरे पास। यहां से पहले तो आप ये करेंगे, रेफरेंस पॉइंट का यहां से चलते चलते पहला नंबर 2 है, 2 के बाद रेफरेंस पॉइंट लगेगा, ये यहां लग गया। ओके, तो इसका तो मतलब इसमें और इसमें कितने डिजिट्स हैं, कोई भी नहीं। हाँ जी कोई भी नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर इसका क्या आ जाएगा, इधर लिख रहे हैं कि आगे चल जाए, आगे चल जाते हैं यार, क्या इतनी कंजूसी करके किधर जाना है। ले जी डियर्स, ये लें ये लें ये लें ये लें ये इधर को आ जाए, इधर से फिर इधर को आ जाए। ओके, अब क्या करें, वही काम कर रहे हैं, इधर लोग एक्स है उस साइड पे इक्वल 1/5, और इधर क्या आया जी इसका 0, सी एच कितना आया, 0 आया। ओके, अब वही काम करना है, 27 को आपने 0 में देखना है और 9 में देखना है, उनको प्लस कर देना है। ये बुक उठाने लगा हूँ, ये बुक उठा दी है, और 27 को देखेंगे हम, किसमें देखेंगे, ये मैं बुक 27 को 0 में और 9 में देख के जमा कर देना है, 27 को 27 को 27 को 0 में देखा तो ये आपके पास है 43 14, 43 14 किधर लिखना है, इधर साइड पे लिख देते हैं 43 14। साइड पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने अभी दूसरे दूसरे नंबर को भी देखना होता है, इसको 9 में, तो वो देख के प्लस करना होता है। तो जब इसको 27 को हमने देखा ना 0 में, 43 14 है, उसके बाद इसके के सामने आपने 9 में देखना है, 9 में, तो वहां भी 14 ही है, 9 के अंदर 27 को देख रहे हैं ना जब आप, तो वहां भी 14 ही है, तो इसको जमा कर लें, ये 14 4 4 8, 1 1 2 3, और ये 43 28 आ गया, तो यहां पे आप लिख देंगे 43 और 28, ये आ गया, ये ब्रैकेट बंद कर दें, और ये प्लस है, प्लस लगाने के बाद 1/7 है, और दोबारा से देखें जरा, देखें डियर्स क्या किया है मैंने, 1/7 पैसे लिख दिया है, प्लस भी पैसे लिख दिया है, और इसको आप देखने लगे हैं। पहले नंबर के बाद क्या करना होता है, पहले नंबर के बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है, ये देखें इसमें ये पॉइंट आपका इधर पड़ा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा हो वाजे करके, तो इसमें और इसमें कितने डिजिट हैं, कोई डिजिट नहीं है पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट में, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सी एच आपका 0 0, और ऐसे लिख देंगे आप, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे, 12 को 3 में और 9 में देखना है, 12 को 3 में और 9 में देखना है, मैं देखने लगा हूँ, आप भी देखें बुक खोलें जरा, 12 को 3 में देखें फिर 9 में देखें, जमा करके मुझे बताएं जल्दी से, कमेंट करें, 12 को 3 में देखा तो 0899, 0899 आ गया है, 0899 लिख दे साइड पे, 0899 ये आया है। ओके, अब 12 को जब देख लिया आपने, किस में देखा है 12 को 3 में, तो 0899 आ गया है, अब किस में देखना है, 9 में देखेंगे, ये देखें 9 में, तो 9 वो सामने है, 9 में 32 लिखा हुआ है भाई, काफी बड़ा नंबर दे दिया, 32 ले जी, 32 आ गया, 32 को प्लस कर ले, 9 2 11, 1 1 कैरी, 10 3 13, और इधर 1 कैरी 0, 900 ये आ गया आपके पास, 0931, 0931, तो आपने यही लिखना है, 0931 ये आ गया आपके पास, ठीक है डियर्स, इसको आप लिख रही है, आप क्या करना है, अब कैल यूज करेंगे, कैल ये देखें फुल फंक्शन वाला, इसको क्या करेंगे, इसको आप इस पे डिवाइड करेंगे, जल्दी से मैं करता हूँ, आप भी जल्दी से करें, जल्दी से करें जरा, जल्दी से करें जरा, जल्दी से आप करके दिखाएं मुझे, जल्दी से इसको लिखे 5 में डिवाइड कर दें, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0.4328 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया है 0 पॉइंट, ये आपके पास आ गया 0.008656, ये आ गया, अब प्लस इसको लिखकर 7 पे डिवाइड कर दें, कोई मुश्किल बात है, 9 9 9 9 9 3 1 डिवाइडेड बाय 7, सावन से डिवाइड किया तो ये आया 0.0139, ओ सॉरी 3 है, ये आ गया डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करें, अब इनको प्लस भी करना है भाई, अभी कल और यूज करना है फिलहाल, अभी ये एक स्टेप रह गया, इसको आप प्लस करेंगे किसमें भाई, प्लस
0.08656, ये आपके पास आंसर आया है, ये आया है 0.09986, तो ये आ गया log x इज इक्वल टू दिस। ओके चलते हैं आगे। अब क्या करना है, अब वही काम करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यहां से मैं डायरेक्ट चल रहा हूं, तो एंटी लॉग जब लिया कैंसिल हो गया और इधर एंटी लॉग आ जाता है। ठीक है, ओके ठीक है, 0.09986। ओके, अब या आप इसको कह रहे हैं कि लॉग इधर आ गया, एंटी लॉग बन गया, ऐसे भी अगर कह रहे हैं आप तो कह सकते हैं। अच्छा, यहां से क्या करना है आपने, यहां से पहले तो ये देखें कि ये हमारे पास 0.9 को 9 और 8 में देखना है आपने। आपको मैंने बताया है कि जब एंटी लॉग लेना होता है तो क्या करना जो होता है, आपने पॉइंट के बाद जो दो नंबर है ना, मसलन 0.09 को इसमें और इसमें देखना है, 0.09 को 9 में और 8 में। लेकिन इसमें ये देखें कि ये 6 है, अगर इसमें इसको आप राउंड ऑफ करते हो तो 8 की जगह 9 बन जाता है, तो आपने इसको 9 बना ले तो अच्छी बात है, एक्यूरेट आंसर आएगा आपका ज्यादा। तो यहां से मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट्स कर लें। ठीक है, ये आपके पास था क्या था भाई, ये था 8 6, और यहां से अगर आप इसको ऐसे लिख देना राउंड ऑफ करने के बाद 0.9 9 8 की जगह 9 लिख दें, है ना। हाँ जी, तो फिर आप इसको जब इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, यहां पर भी यही आ जाएगा फिर। ओके, राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आपका ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगा, तो इसलिए ऐसे करना अच्छी बात है। अब देखें अब क्या करना है, आपने 0.0 को 0.09 को 99 में देखना है, 0.09 को, बुक मेरे पास ये है, ये बुक आ गई मेरी, ये जादू से बुक आ गई है, और इसको आप देखने लगे हैं 0.099 को, और ये तो 295 पे है, 0.09 को, 0.09 को 9 में देखना है, 12 56, और दोबारा फिर 9 में देखें तो 3 है, 12 56 और 3, 12 56 12 56 और ये 3 है, प्लस करें इनको 9 5 2 1, 12 59 लिख दें इधर, 12 59 ये आ गया। अभी एक काम रह गया बस हमारा, वो काम ये है पॉइंट लगाना जरूरी है। ओके 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 डीएस, पॉइंट कहाँ लगेगा ये हमें, पहले तो हमने इधर से चलते चलते पहले नंबर के बाद रेफरेंस पॉइंट लग गया। ओके, अब क्या करना है, अब ये काम करना है कि आपने देखना है सी एच कितना है आपका, ये वाला पॉइंट से पहले 0 है, इसका मतलब आपका रेफरेंस पॉइंट में और पॉइंट में कितने डिजिट्स आएंगे, कितने, कोई भी नहीं आएगा, ये सी एच यही बताता है 0 है तो 0 नंबर होगा, मतलब कोई नंबर नहीं होगा, तो पॉइंट आपका इधर ही लग जाएगा। तो आप एक दफा इसको लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं इधर करके थोड़ा अच्छा करके सेपरेट में, 1.259। तो डियर्स ये आपका आंसर है, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत, ये डी बॉक्स बन गया है डियर स्टूडेंट्स, ये बॉक्स बन गया, ये आपका आंसर है। देखें इसमें क्या किया हमने, वही काम किया है, इसमें कोई नई काम बात नहीं हमने सीखी। ये देखें अगर आप इसका, इसको आप कैल से यूज करें इसको, और इसको आप मल्टीप्लाई करें ना कैल से, तो यही आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम ये फिर क्यों करते हैं लोग से, ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना आपने। लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि पॉइंट के बाद 259 आया, 1.259 आया, अगर आपका पॉइंट के बाद इधर जाके कहीं पे थोड़ा बहुत आगे पीछे नंबर तो हो भी जाता है, तो आपका कोई मसला नहीं होगा, ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमने लॉग टेबल से देखना है। जैसे भी पिछले क्वेश्चन में देखा है तो उन्होंने लिया कुछ और है, लिखा कुछ और है। ठीक है, लॉग टेबल में मतलब हमने देखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर, वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो आंसर ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर कैल से लॉग लेते हैं तो वो डिफरेंट आ रहा है, अगर बुक से लेते हैं तो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, पॉइंट 90 को अगर आप देखते हैं ना 1 में, बुक के ऊपर आपको लिखा हुआ है, बुक के ऊपर आपके लिखा हुआ है 90 को, अगर 1 में देखते हैं ना 90 को 1 में, 95 42 लिखा हुआ है 90 को, अगर 90 को 1 में देखते हैं ना 95 42, लेकिन अगर आप कैल से लेते हैं तो 95 47 आता है, 9547। तो देखें थोड़ा सा मतलब के मिस अंडरस्टैंड हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है डिफरेंस, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, अगर हल्का सा हो भी जाता है आप करते हैं तो आपसे हो जाता है, तो उससे मसला नहीं है, लेकिन ये पहले वाला पॉइंट से पहले नंबर तो ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो
अब ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन था, वही था सारा, वही प्रोसेस हमने किया जैसे पहले क्वेश्चन में किया है। अगर आपका आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिंदगी रही तो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।